और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जब जैसे ही नया बाइक आ जाएगा ना उसी टाइम मैं लूँ। ऑफ रोडिंग भी हो गई GT से आज तो, अभी क्या अभी ठोक देता भाई, बच गया मैं तो। हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो यार बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, और बात भी नहीं हो पा रही थी आप लोगों से, तो आज सोचा चलो रात को ही निकल जाता हूँ, आप लोगों से बात भी हो जाएगी। और अपनी जो न्यू GoPro है इसका भी थोड़ा फुटेज चेक हो जाएगी रात को कैसा आता है। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तो आप लोगों को यार थैंक्स बोलना चाहूँगा। जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, हर वीडियो जब देखते हो आप लोग कमेंट्स कर दिया करो कि कहाँ से देख रहे हो, यार मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, इतने दोस्तों ने मुझे सपोर्ट की, यार थैंक यू सो मच। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। जैसे कि आप लोगों को पता है यार मेरा बहुत बहुत ही न्यू चैनल है और उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे पास, बट हाँ जो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बन रहे हैं हमें उनको आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे अपना जो फैमिली है इसको बड़ा भी करना है। तो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और अपना देखो, मैं तो अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ यार, अपना वीडियो क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, इनफैक्ट एडिटिंग भी देख रहे हो, मैं कोशिश करते रहता हूँ यार अपने तरफ से पूरा कि अच्छा होता जाए। तो आई होप कि अच्छा कर रहा हूँ मैं, बट यार थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया। वैसे आज जो थर्सडे है बट फ्राइडे नाइट वाली एकदम वाइब है यार इधर। यार बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों से बतानी थी गाइस, मुझे ना कुछ प्लान्स है यार, मुझे एक राइडिंग जैकेट लेना है, एक हेलमेट लेना है, तो मैं अभी वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि कौन सा लेना है, मतलब कौन सा लूम है अपने लिए। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ पता है या फिर कुछ नॉलेज है इसके बारे में ना, प्लीज़ कमेंट में बताओ कौन सा राइडिंग जैकेट जो है मैं ले सकता हूँ, फिर देखता हूँ आप लोगों का क्या सजेशन आता है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कौन सा अच्छा होगा मेरे लिए। और एक हेलमेट भी लेना है मेरे को, तो वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा लूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जब जैसे ही नया बाइक आ जाएगा ना उसी टाइम मैं लूँ, ऐसा भी आएगा नया नया बाइक, मतलब उसके थीम के साथ मैच भी ले सकता हूँ, तो वही सोच रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताओ ठीक है, अगर कोई अच्छा राइडिंग जैकेट हो या फिर कोई बेटर हेलमेट सजेस्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे बैरिकेड लगा रखा था यार, पता नहीं क्यों। आगे से लेफ्ट ले लेता हूँ भाई साहब, गड्ढे एकदम से रोड पे, समझ नहीं आ रहा सिग्नल, तो लोग तो जा रहे हैं भाई। धरी से जाना है शायद, यार ये मेट्रो का काम चल रहा है ना, इतना ट्रैफिक में मतलब कंफ्यूजन हो गया है, समझ नहीं आता कहाँ से जाऊँ, मतलब क्या करे, यही चल रहा है बैंगलोर का सीन। और यार आप लोग पहले तो ये बताओ कि फुटेज कैसा आ रहा है यार रात का, और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था ना उस, मतलब जो वाइड एंगल का सीन था वो भी थोड़ा सा आई गेस की मतलब सही नहीं था मेरा, मुझे वीडियो एडिट करते टाइम ऐसा लग रहा था, तो मैंने उसी को भी थोड़ा सा फिक्स किया है। क्या हालत हो गया यार इस साइड का रोड का, मैं बहुत दिन बाद इस साइड आ रहा हूँ, आता नहीं हूँ मैं नॉर्मली इस साइड। ऑफ रोडिंग भी हो गई GT से आज तो, बस वाले भाई एकदम से साइड कर रहे थे पता नहीं क्यों, जगह दे दो यार हमको, सुन रहे हो पटाखे सुन रहे हो आप लोग, मजेदार मजेदार भाई,
मज़ेदार। क्या पटाखे आते हैं भाई साहब। भगाओ यार। भाई पटाखे सुनो यार, मजा ही आ जाए। भाई इसने 100 तो ऐसे पकड़ता है ना, मतलब आप सोचोगे कि खींचना है बस, ये 100 में पहुंचा देगा आपको। यार क्या पटाखे है भाई, देख रहे हो क्या घुसाया था भाई अभी इसने। क्या घुसा था इसने यार, गलत सीन्स। अभी के अभी ठोक देता भाई ये बंदा, अभी के अभी ठोक देता भाई। बच गया मैं तो, राइडिंग गियर्स भी नहीं है मेरे पास माँ कसम। मैं सोचा निकल जाता हूँ, थोड़ा बहुत एक छोटा सा चक्कर लगा लेता हूँ, थोड़ा मूड बन जाए, बट मूड अभी बिगड़ देता यार बंदा, ठोक ही दे रहा था ऑलमोस्ट, दिमाग खराब हो गया मेरा। गाइज एक और चीज़ आप लोगों को बताना था, तो यार जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं ना वो मैं इंस्टाग्राम पे भी देते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है ना वो मैं इधर लेफ्ट में कहीं दे दूँगा, फटाफट जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि सारा जो अपडेट्स है ना छोटे छोटे अपडेट्स यार यूट्यूब में नहीं दिया जाता, तो उसके लिए फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर भी। तो हो गया एक मस्त छोटा सा राइड हो गई मेरी, माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया, अब घर जाके खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे यार। तो यही एक छोटा सा रॉ सा व्लॉग था, कुछ कुछ दिल की बातें शेयर करनी थी आप लोगों से, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। और वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा गाइज, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को दिख रहा है तो एक छोटा सा कमेंट कर दो, आपके एक छोटा सा कमेंट आपके लिए तो बहुत इजी काम है, बट मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे इस चैनल की ग्रोथ के लिए, हमारे इस फैमिली की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, ये एक बहुत छोटा सा एक क्रिस्प सा बहुत ही रॉ वीडियो था, कुछ कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोगों की सजेशंस लेनी थी, तो मैं सोचा एक ब्लॉग भी हो जाएगा, एक बातें भी हो जाएगी। तो इसी नोट पे इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।